हेलो दोस्तों, आज हम बात करने उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री की तरह यहाँ पर जो है एक नया अपडेट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षा में जो मंत्री हैं उनके द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत जो है नई भर्तियाँ होंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नई भर्तियाँ आपको नई शिक्षा नीति के तहत देखने को मिलेगा। और आज जो यहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य बन चुका है पहला। और इस अवसर पर जो शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने जो है प्रदेश में 72,000 शिक्षकों से अब जो है पठन पाठन के अलावा जो है किसी तरह का जो है काम नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते कोई भी काम अब पठन पाठन के अलावा कोई शिक्षक नहीं करेगा बताया गया है। साथ ही यहाँ पर जो है उन्होंने शिक्षकों की भर्ती जो है नई शिक्षा नीति के जो है पारदर्शिता तरीके से यहाँ पर करने पर जो है जोर दिया। तो नई शिक्षक भर्ती आपको पारदर्शिता तरीके से देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर शिक्षा मंत्री का कहना है। साथ ही यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति को जो है जल्द पूरा करने का जो है आश्वासन दिया। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्थायी नियुक्ति भर्तियाँ होंगी जिसमें आश्वासन जल्द यहाँ पर जारी होगा ऐसा बताया गया है और आश्वासन दिया है। साथ ही यहाँ पर जो उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा के स्तर को जो है नई शिक्षा नीति के तहत जो है सुधारा जाएगा। तो नई शिक्षा नीति के जो है यहाँ पर सुधारा जाएगा ऐसा यहाँ पर कहा गया है। साथ ही यहाँ पर जो इस मौके पर सीएम पुलिस धामी ने बाल वाटिकाओं का जो शुभारंभ भी यहाँ पर कर देगा। तो इस तरह का शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पर बयान जारी किए गए हैं।